कांगड़ा की जगह एक्सप्लोर नहीं की इसको जय माता दी, इसका मतलब जब पहुंच सेम ऐसी आई थी वो कल सड़क पे ना, जिसके ऊपर बाइक स्कीड हो रही थी। ओ भाई क्या कर रही है, मेरा है कहाँ जैसे प्रॉपर है? पठानकोट में? अजी पठानकोट है। What's up you beautiful people, की हाल चाल, सत श्री अकाल। ये लाइन किसी और की, अपनी लाइन आप नहीं बोलते, ठीक है। टेक टू गाइस, टेक टू। तो क्या हाल है भाइयों के, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर डूइंग वेल। सर आज का क्या सीन है कि टुडे इज आर लास्ट डे इन डलहौजी, तो थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा लोकल जगह एक्सप्लोर करेंगे और फिर सीधा घर को निकलेंगे। राइट नाउ वी जस्ट वोक अप, बट तुम देखना तुम्हारा भाई ना जादूगर है, अभी ऐसे करेगा और एक मिनट में तैयार पूरा। रेडी 1 2 3। सो गाइस बिल्कुल रेडी हूं मैं, और अभी निकलते हैं थोड़ा लोकल एक्सप्लोर करने के लिए और फिर निकलते हैं घर के लिए। ओके सो गाइस लेट मी टेल यू अबाउट दिस लोकेशन। दिस लोकेशन इज कॉल्ड पंजाब पुल, और गांधी चौक से ये अराउंड 2.5 किलोमीटर्स दूर है। तुम ऑन फुट भी आ सकते हो जैसे हम ऑन फुट आए हैं, या फिर किसी भी कमर्शियल व्हीकल पे जैसे बस वगैरह पे आ सकते हो। सो यहाँ पे यू कैन एंजॉय मतलब एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह का सब कुछ सीन है यहाँ पे। हमारा भी मन था करने का, बट अभी हमको घर को भी निकलना है तो कोई एडवेंचर स्पोर्ट वगैरह हम करेंगे नहीं। बाकी जस्ट चेक आउट द लोकेशन की लोकेशन कैसी है। बाय द वे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है, एज यू कैन सी कि स्नो ही स्नो है यहाँ पे। सेम ऐसी आइस थी वो कल सड़क पे ना, जिसके ऊपर बाइक स्किड हो रही थी, तो बाइक स्किड और यहाँ पे हमारे शूज़ स्किड हो रहे हैं इसके ऊपर, एज यू कैन सी। तो अगर शूज़ स्किड हो रहे हैं तो भाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि बाइक कितना स्किड हो रही होगी। सो गाइस वी जस्ट रीच आवर होटल एंड ट्रस्ट मी गाइस, 5 किलोमीटर्स की ऑन फुट राइड थी तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। नाउ वी आर टायर्ड, बट घर के लिए भी निकलना है तो थोड़ी सी 10-15 मिनट की ब्रेक लेके वी विल चेक आउट, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं बिकॉज ब्रेकफास्ट भी नहीं करा अभी तक। तो हम सोच रहे थे कि ब्रेकफास्ट रास्ते में करें, बाकी देखते क्या सीन बनता है, तुमको लग जाएगा पता। बाय बाय, विल मिस यू ब्रो। The time has come, we have to leave this place. मन मेरा हो नहीं रहा है इसको छोड़ने का, बट वी हैव टू बिकॉज ये लास्ट दिन था हमारी इस छोटी सी राइड का। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा स्नो की वजह से वी वर नॉट एबल टू एक्सप्लोर मोर प्लेसेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेसेस ज़्यादा स्नोफॉल की वजह से बंद थी, लाइक खजियार, डैनकुंट, बट कोई नहीं नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी इस टाइम जितना भी हमने एक्सप्लोर करा है इट वॉज वेरी वेरी गुड टाइम वी स्पेंड हेयर। सो राइट नाउ वी हैव टू लीव, थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट करा था बाइक को। तो हमारा जो स्टे था वो था सनराइज व्यू होटल में, तो इफ़ यू आस्क मी मैं आपको ये प्रेफर करूँगा होटल, बिकॉज देयर हॉस्पिटैलिटी, देयर सर्विसेज, कंफर्ट, भाई सब कुछ एक नंबर था। ऑल्सो सुबह सुबह सनराइज का व्यू, आई जस्ट प्रेफर यू टू हैव अ स्टे इन दिस होटल, अमेजिंग सर्विसेज मैन, अमेजिंग। सो पिछले दिन जब हम खजियार वाले रास्ते पर थे तो हमने जो हमारा एयर प्रेशर है पिछले वाले टायर का वो कम करा था, तो अभी वो दिक्कत दे रहा है कॉर्नर वगैरह पे, तो जितना जल्दी हो सकता है हमको रेयर टायर पे हवा भरवानी है। तो भाई यार देख, कुछ हवा भर दोगे? ओए खुद ही भर रहा है, आने दे उनको। हरियाणवी राइडर गॉट नो चिल, खुद नहीं लगाते हुए हाथ, पूछ ले उनको वो गालियाँ देंगे। अंकल जी मारो इसको, बिना पूछे आपकी चीज़ों को हाथ लगा रहे, मारो इसको। जस्ट लुक एट दिस यार, मतलब इतना बड़ा पहाड़ है, इसको काट के बीच में सड़क बनवाई है। जहाँ तक तुम्हारी नजरें जाएंगी ना मेरे राइट साइड में, हर जगह पहाड़ ही पहाड़, में पहाड़ के ऊपर है सड़क। जस्ट हैव अ लुक, ओ माय गॉड यार, अमेजिंग यार, अमेजिंग। मतलब है सिंपल पहाड़ नो डाउट, बट जस्ट चेक आउट इट्स ब्यूटी, इट्स मैग्निफिसेंट यार।
एक दो तीन ब्ला 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 और भाई इतने पेड़ पता नहीं कितने पेड़। ओ भाई क्या कर रही है, मर जाना था तूने अभी, तूने मर जाना था अभी, तेरे को उड़ा देना था उसने फॉर्च्यूनर वाले ने। हाँ दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि तुम सही हो सकते हो बट दूसरा अगर गलत हो जाएगा तो दिक्कत वाली बात होगी। इससे बढ़िया कि राम राम से चलो, बाई चांस अगर दूसरे की गलती भी होती है तो तुमको खुद की बचाव करने का टाइम तो, मतलब ब्रेक्स वगैरह अप्लाई करने का टाइम तो। सो गाइस स्लाइट चेंज इन प्लान, जहाँ से हम आए थे वहाँ से अब जाएंगे नहीं, वी आर टेकिंग अ सेकंड रूट। जहाँ से हम आए थे वो वाला रूट नहीं लिया, वहाँ से थोड़ा लंबा है और यहाँ से द्रम्मन है 70 किलोमीटर्स। सो लेट्स सी कौन सा वाला रास्ता बढ़िया रहता है, एक्सप्लोर भी हो जाएगा थोड़े दो रास्ते आने का, वो वाला जाने का ये वाला। लेट मी टेल यू गाइस कि एक सीन हो चुका है अभी, मैंने GoPro को डाला था लीनियर मोड में ताकि सिनेमैटिक्स थोड़े अच्छे आएँ, क्योंकि सुपर व्यू में सिनेमैटिक्स अच्छे नहीं आते हैं, बट लीनियर व्यू में मोटर व्लॉग नहीं होता है। सो मैं भूल गया था उसको स्विच करना, और मैं तब से लेके मतलब डलहौजी से लेके अभी तक मतलब लीनियर पे था ये, और आई डोंट थिंक कि अच्छी फुटेज आई होगी। अब आई जस्ट होप कि अच्छी फुटेज आई हो, यूज़ कर पाऊँ मैं उनको, बाकी अभी मैंने सुपर व्यू में स्विच करा है। चल चल तो पठानकोट यहाँ से 49 है, जलंधर 150। भाई जलंधर चले, मोस्ट प्रोबेबली अभी हम शायद पंजाब एंटर कर चुके हैं। आई डोंट नो वेयर आर वी। तो अभी अपन एंटर करे हैं पंजाब दुनेरा में। है कहाँ जैसे प्रॉपर? पठानकोट में? अजी पठानकोट है, ठीक है ठीक है। सो गाइस वी जस्ट टुक आवर ब्रंच, और इतना हैवी ब्रंच हो गया ना अभी, मेरे को बहुत ज़्यादा नींद फील हो रही है। ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ता है ये, इतना तो हमको डलहौजी में नहीं मिला जितना अभी पंजाब में मिल रहा है। भयंकर पंजाबी में लिखा समझ भी नहीं आ रहा है। नहीं वो देखो नूरपुर लिखा ना, हमने नूरपुर जाना पहले, वो देखो लिखा हिंदी में भी। अगली बार ना जब राइड में निकलेंगे ना पंजाबी सीख कर आएंगे। ओके सो वी हैव बीन ऑर्डर्ड बाय, ओके ओके आंटी जी समझ गया समझ गया, वी हैव बीन ऑर्डर्ड बाय गूगल आंटी की राइट लेना है यहाँ से। राइट, अच्छा राइट लेना था, ठीक ठीक है, माय बैड ब्रो माय बैड, आई एम सॉरी गाइस। पहले मेरे को पता नहीं लगा, गूगल वाली एंटी ने अभी स्पेशली बोला भी कि राइट लेना है, बट आई वाज गोइंग टू टेक लेफ्ट। ये तो शुक्र है कि मैं और हरियाणवी राइडर कनेक्टेड है कॉल पे, तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उसने बोला साले राइट रहा है तो लेफ्ट क्यों ले रहा है। पालमपुर 86 मंडी 182, सब पालमपुर इज 86, तो उसमें से 25 काट दो तो आने वाला है हमारा घर मटौर। 20 minutes later, let me tell you guys कि बड़ी देर से मैं और हरियाणवी राइडर थे सिर्फ साथ में, भाई गुम हो गए थे। बिकॉज सीन कुछ ऐसा था कि हम पंजाब से आ रहे थे तो थोड़ी मतलब सड़कें ऐसी थी, गलियां गलियां कन्फ्यूजन वाली थी, तो भाई हमसे बिछड़ गए थे। मेरे को पहले लगा था कि भाई हमको फ़िल्टर दे गए, क्योंकि फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, तो मेरे को लगा कि भाई ने झूठ बोल दिया, ऐसे ऐसे चले गए वो। सो अभी मैंने फ़ोन करा था यहाँ पर रुक के नूरपुर पे, तो ही वॉज लाइक कि मैं भी नूरपुर पहुँचने वाला हूँ, गुम हो गए थे ऐसे वैसे, तो वी जस्ट वेटेड फॉर हिम और अभी मिल गए हैं भाई, तो अभी चलते हैं वापस, कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड को। बाय द वे आई एम ग्लैड दैट वी टुक सेकंड रूट, बिकॉज अगर पहले वाला रूट लेते तो वही वाली सीनरी हमको देखने को मिलती। नहीं सीनरी बढ़िया थी नो डाउट, रोड भी अच्छा था, बट जब हमने सेकंड रूट लिया है और पंजाब वगैरह एक्सप्लोर करा तो मेरे को ज़्यादा बढ़िया लग रहा है कि सेकंड रूट लेके हमने गलती नहीं की कोई भी, रिग्रेट मेरे को कोई भी नहीं है, मज़ा मेरे को आया। टच कर कर आए पठानकोट को, बट वो भी बढ़िया था क्योंकि पंजाब को टच करा डलहौजी की राइड में। मत फेंको भाई जी हमारे ऊपर आओ, स्वच्छ भारत का इरादा। आई वॉज अंडर एस्टिमेटिंग कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, बट हैव अ लुक गाइस, कांगड़ा भी सुंदर है यार।
मैंने कांगड़ा की जगह एक्सप्लोर नहीं की, इसका जय माता दी, इसका मतलब जय भगवान जी। भोसड़ी के बेटे 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 माज कर दी, माज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, तुम तो अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। बस ये गलती होती है गाइस, आई वॉज अबाउट टू क्रैश, तभी बोलते हैं अपना जो ध्यान है वो सड़क से ना हटाएं। अभी मेरा ध्यान हटा था सड़क से, और कॉर्नर करते टाइम अगर ये तो मतलब भगवान को थैंक यू बोलूँगा कि कोई व्हीकल नहीं आ रहा था आगे से, बट अगर उस साइड से व्हीकल आ रहा होता ना गाइस तो मैं तो गया था। स्टे हाइड्रेटेड गाइस, स्टे हाइड्रेटेड ड्यूरिंग राइड्स ऑल्सो, पानी पीते रहा करो। लेट मी फिल द बॉटल। तो ये वाला रास्ता था गाइस जो जाते टाइम हमने लिया था डलहौजी के लिए, और अभी हम पूरा मतलब जाकर आए हैं, ये बीच वाला रास्ता नहीं लिया हमने, डलहौजी 100 किलोमीटर ये वाला। सो दिस वाज द रूट जो हमने जाते टाइम लिया था, और अभी हम दूसरे वाले रूट से आए जो नूरपुर वाला है। We have to say goodbye to everyone because भाई का भी रास्ता सेपरेट हो जाएगा, भाई ने जाना है मंडी वाली साइड, और भाई का भी रास्ता सेपरेट हो जाएगा, भाई ने जाना है रानीताल वाली साइड, और मेरी तो लोकेलिटी है ये मटौर जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो अभी भाई को बाय बोलना पड़ेगा, बाय ब्रो, इट वॉज फन टाइम विद यू, वी इन्जॉयड अ लॉट। आपको बताओ आपने इन्जॉय किया? जोर से बोलो, जोर से, जोर से बोलो जय माता दी। तो भाई बाय, मजा आया, अगली राइड भी देखेंगे। सो नाउ आई एम हेडिंग टू माय होम, और रिएक्शन देखते हैं मेरे डॉगीज के कि क्या रिएक्शन होता है, 3 दिन बाद उनको देखने को मिलूंगा मैं। हेलो, कोई है हुई नहीं, इतने दिनों बाद दिख रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। म्यूजिक तो मेरे डॉगीज के की क्या रिएक्शन होता है, 3 दिन बाद उनको देखने को मिलूंगा मैं। सो लेट मी शो यू कि कितने किलोमीटर्स टोटल कवर करे। सो ट्रिप 2 मैंने 0 करा था, तो 323.5 किलोमीटर्स टोटल इस राइड में कवर हुए हैं। और अगर पेट्रोल की बात करी जाए तो मैंने फुल करवाया था, तो फुल था, तो इंडिकेशन वाली 3 जो लाइन्स होती हैं वो ख़त्म हो गई हैं, तो इतना फ्यूल कंजप्शन हुआ है जो कि बढ़िया था। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो भाई पसंद है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।